चलिए आज हम साउथ इंडिया की एक खूबसूरत से लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें 36 घंटे की लंबी और खूबसूरत ट्रेन का सफ़र करना होगा। यकीन मानिए ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। ट्रेन की यात्रा पूरी हो जाने के बाद 30 मिनट का खूबसूरत रोड ट्रिप और हम पहुंच गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी आ गए एक मैं अमेजन से प्लेस पे। यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम के लिए आया हूँ, एटलीस्ट 1 वीक यहाँ रुकने वाला हूँ। सो यहाँ के आसपास जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं भी हूँ बीच पर। तो ये देखिए पीछे समंदर है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और इस साइड पूरा कोकोनट ट्रीज हैं ढेर सारे। और इस समय मैं बताऊँ हवा थोड़ी सी तेज़ चल रही है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं। सो अभी मैं पानी के आसपास भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सेफ नहीं है। बाकी मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। एक से 1.5 घंटे बीच पर घूमने के बाद हम निकल पड़े थे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की खोज में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बीच के साइड से होने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने प्रॉपर्टी पर आ गए हैं, क्योंकि लगभग 36 आवर्स की हमारी जर्नी थी ट्रेन की। तो अभी 6 बजे आए, नहा धो पूरा निकल गए थे, सोच रहे 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा लंच आ गया है और दोपहर के बज रहे हैं 2। अभी हम यहाँ पर लंच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं लंच क्या क्या है हमारे यहाँ पर। साउथ इंडियन पापड़ है, देन ये दाल है, राइस है, और नीचे और ये कोई स्वीट है जो कि पत्ते में रैप किया हुआ है, खोल कर खाना है, फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे। और ये नीचे पिकल्स है। यहाँ से अभी लंच करते हैं, लंच करने के बाद निकलते हैं बीच साइड में। और बीच साइड में यहाँ पे एक संगम है, एक रिवर का और समंदर का। सो वहाँ चलते हैं, वो दिखाते हैं, थोड़े से वहाँ पहाड़ जैसे भी हैं। सो व्यू देखते हैं। और अभी रूम के बाहर का मैं आपको व्यू अगर दिखाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। फ्रेंड्स, ये देखिए व्यू है, ये कोकोनट ट्रीज हैं और इसके बाद ही बीच है। ये साइड में जितने देख रहे हैं ये पूरा बीच है। समंदर की लहरें काफ़ी हैवी वेव्स हैं और यहाँ से भी अगर देखें तो पूरा समंदर ही है, काफ़ी हैवी वेव्स हैं। इस साइड से देखिए आपको पूरा दिखेगा क्लियर व्यू। ये प्रॉपर्टी जो पूरा सी फेसिंग है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और समंदर की आवाज़, बाप रे, मैं अर्ली मॉर्निंग 5 PM पर ही आ गया था और इतनी तेज दूर से ही आवाज़ आ रही थी ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो फ़िलहाल ये व्यू है, आप इन्जॉय करिए। फ्रेंड्स, देखिए घूमते घूमते हम लोग साथ ये पूरा कमरे के अंदर आ गई है हमारे, आराम से खेल रही है। ओए तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी पीछे जहाँ मैं स्टे किया हुआ हूँ और यहाँ से मेरे सामने ही ये पूरी पूरे समंदर है, बीच है। और मैं यहाँ से पूरा अभी जा रहा हूँ समंदर किनारे किनारे, आगे में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक संगम है, एक नदी का और समंदर का। सो वहाँ चलता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और ये पूरा व्यू दिखाता हूँ। हालांकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिधर हमें जाना उधर पूरा घना बादल हो गया है। देखते हैं, साथ में रेनकोट भी लिया हमने ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कैमरा वगैरह, उसे सेव करना है। चलिए चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दूर से हम लोग यहाँ तक तो आ गए, बट यहाँ आकर थोड़ा सा फंस गए लग रहा है, क्योंकि अभी ना यहाँ से बीच किनारे किनारे था, पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ से हमें सीधे जाना था, बट ये जो पानी है ना काफ़ी ऊपर तक आ जा रहा है, ये रास्ता पूरा बंद हो जा रहा है।
मैं आपको पास से चल के दिखाता हूँ। अब ये डर लग रहा है मैं थोड़ा आगे तक चला जाऊँगा, बट उसके आगे मैं जाऊँ कैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है हमारे लिए। ये देखिए, यहाँ देखिए वेव्स आएंगे, देखिए भाई ये देखिए ये पूरा रास्ता ना कवर हो जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा का पूरा वेव्स, तगड़ी वेव्स आ रही है पूरी। ये देखिए पूरे रास्ते के ऊपर से पानी आ जा रहा है और वेव्स भी बहुत ही हैवी वेव्स। उधर जाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा क्योंकि इस टाइम की जो वेव्स होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है और अपने अंदर की तरफ बहुत तीखी से क्योंकि बाहर की साइड ले जाती हैं फिर। इसके ऊपर देखता हूँ मैं आगे चढ़ कर, यहाँ थोड़ा सा जंगल खाली जैसा है, इस पर चढ़ता हूँ देखता हूँ अगर जाने का रास्ता होगा इधर जाएंगे, अदरवाइज कुछ और ऑप्शन देखेंगे क्योंकि बहुत ही रस्की है, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। ये देखिए पूरा यहाँ तक था, पूरा पानी यहाँ तक आ जा रहा। ये थोड़ा ऊंचाई पर पेड़ लगाया गया है, एक वेव थोड़ी दूर है, दूसरी वाली जो आएगी यहाँ तक आएगी पूरी। ये देखिए पूरी वेव ऊपर तक आ जा रही है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने क्रॉस कर लिया ये, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ना यहाँ तक पानी आ रहा था और उस साइड तक हम पीछे से ये जंगल जैसा था वहाँ से आ गए थे, उसके बाद क्रॉस करके कूद कर आ गए और दीपक बस थोड़ा सा ही बचा है पानी आने से पहले, मतलब एक फीट दूर था पानी तब तक ही चढ़ के ऊपर, अदरवाइज पानी से पूरा पूरा आई डोंट नो पानी खींचता ऐसे या फिर पानी से भीग जाता। बट सेफली हम आ गए हैं और इधर बहुत ही प्यारा पूरा हरा भरा है और हम ऊपर ऊपर से जा रहे हैं बीच के ऊपर ऊपर से। अब आगे से यहाँ से हम उतर सकते हैं यहाँ से, अभी हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ हम कब से चलते चलते लगभग 1.5 आवर्स हो गए और ये नदी जो है गंगावरी है और ये समंदर है और यहीं पे पीछे यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहीं पे गंगावरी और समंदर यहाँ मिलते हैं और पीछे में बहुत बड़ा सा पहाड़ है। आगे जाने का मन तो हो रहा है बट बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही है ना कि पानी का बहाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पानी के थोड़ा सा गड्ढा जैसा उसमें चले जाएंगे इसलिए नहीं जा रहा, अदरवाइज मैं आपको पास से दिखाता। और अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बोट लॉन्च किया है इन लोगों ने इसमें इतने हाई वेव्स के अंदर भी जो कि फिशिंग के लिए थी। अभी ये देखिए ये पूरा ये फ्रंट से पूरी वेव्स ऊपर तक, ये पूर्ण नीचे में है, मैं ऊपर में हूँ तो इसको क्रॉस करके ये वेव्स इधर आ जा रही है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ अदरवाइज पाँव स्लिप किया सीधे बह जाएँ उसके अंदर। थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इस टाइम के पानी में ना बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं जो रिस्की होती हैं। सो फ्रेंड्स देखिए दे आर लॉन्चिंग द बोट इन हाई वेव ओशन, काफ़ी हाई वेव से फिर भी ये बोट को लॉन्च कर रहे हैं, नीचे कर दिया इन्होंने, अब वेव्स आई इसी के अंदर ही चली जाएगी बोट। बोट गई पूरी, इतनी हैवी वेव्स में भी ये लोग जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए।